الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى في مقام آخر كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال أيضا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد ثناء كباد نهايته واجب الاحترام حاضرين مجلس محترم بزرگو عزیز نوجوانو محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ جل جلاله وعم نواله کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے پھر سے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ آج ہم اور آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں اللہ کے بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے یہاں جمع فرمایا دعا ہے کہ اللہ تعالی اس حاضری کو قبول فرمائے اور یہاں سے جو کچھ بیان کیا جائے جو کچھ پڑھا جائے پڑھایا جائے رب العزت اپنے برگاہ قدوسی برگاہ اقدسیت میں قبولیت عطا فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج جمعۃ المبارک کی اس اجتماع میں جس موضوع اور ٹاپک پر آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the best teacher of all times اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد آیات میں اور متعدد جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سٹیٹس کو بیان فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تمام شانوں میں اور ان تمام سٹیٹس میں ایک شان اور بھی ہے اور وہ شان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the best teacher of all times جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں اور ہر دور کا بہترین ٹیچر ہے اور بہترین معلم ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے
वैसे आजकल अगर हम देखें कि जिनको हम टीचर कहते हैं, जिनको हम टीचर समझते हैं, जब उनके सामने स्टूडेंट्स मौजूद हो, जब वो पढ़ाता है किसी सब्जेक्ट को या किसी फील्ड में अगर वो टीचर होता है, तो उसकी टीचिंग कैपेसिटी लिमिटेड होता है और महदूद होता है, और वो जिस सब्जेक्ट में महारत हो और जिस सब्जेक्ट का वो माहिर है, उस सब्जेक्ट से बाहर वो कुछ नहीं पढ़ा सकता, और अगर पढ़ाए तो फिर उस सब्जेक्ट के फील्ड में रहने वाले लोगों पर बड़ा जुल्म होगा। एक शख्स डॉक्टर बनता है और मेडिकल की तालीम हासिल करता है और उसमें स्पेशलाइज करता है, तो चूंकि उसने मेडिसिन में स्पेशलाइज किया है और मुकम्मल कमांड हासिल है, वो दीगर फील्ड्स में कमजोर होता है और वो अपने आप को दीगर फील्ड्स में लीड करने के लिए पेश नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा फील्ड मेडिसिन है और इसी में मेरा लिमिट है। तो इसी तरह दुनिया की तमाम टीचर्स को आप देखें, वो अपनी फील्ड में एक तो परफेक्शन नहीं होता क्योंकि इंसान है, और दूसरी बात यह है कि वो सिर्फ पढ़ाने की हद तक होता है, वो सिर्फ नॉलेज को मुंतकिल करता है, एक जहन से दूसरी जहन में नॉलेज को मुंतकिल करता है, एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर एक नॉलेज को मुंतकिल करता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द बेस्ट टीचर ऑफ ऑल टाइम्स, इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की तमाम टीचर्स एक तरफ हो जाए, दुनिया की तमाम मुअल्लिमीन एक तरफ हो जाए, उनकी सलाहियतें, उनकी एबिलिटीज और उनकी मटेरियल्स जहां खत्म हो जाएंगी और फना हो जाएंगे, वहां पर एबिलिटीज ऑफ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्तिदा होता है। मतलब जहां सब हार जाए वहां पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आगाज होता है। तो इससे मालूम होता है, अभी मैं बताता हूं आपको, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियाए कायनात में जब से हजरत आदम आला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजूद में आए आज तक और कियामत के दिन तक, जितने मुअल्लिमीन आते रहेंगे, जितने मुदर्रिसीन आते रहेंगे, उनकी तमाम उलूम को जमा करके, तमाम रिसर्च वर्क को जमा करके, जब सब कुछ खत्म हो जाए वहां पर मकाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज शुरू होता है। देखो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज बअथ फीहिम रसूला। ये तो रबीउल अव्वल का महीना भी खत्म हो ऐन पे चल रहा है, तो हुजूर के आने के बाद भी हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुमिनीन पर, बिलीवर्स पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया है, बहुत बड़ा एहसान, ग्रेट फेवर है मुमिनीन पर। इज बअथ फीहिम रसूला, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनमें रसूल मबूस फरमाया, दैट ही हैज सेंड हिज मैसेंजर इन देम, दिस इज अ ग्रेट फेवर फ्रॉम अल्लाह सुबहाना व तआला ऑन बिलीवर्स।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत में मौजूद है, उस वक्त भी मौजूद था और आज भी मौजूद है और कयामत के दिन तक मौजूद रहेगा, और इसका कोई इनकार नहीं कर सकता सिवाय वो जिसका शरीयत में और इस्लाम में और तालीमात इस्लामिया में कमी हो। फिर जब आ गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था और मिशन क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जब मैंने उम्मत पर और मुमिनीन पर बतौर खास इतना बड़ा एहसान किया है कि मैंने अपने नबी को मेरे महबूब और मखलूक में अगर मैं सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो इतने प्यारे महबूब को, द मोस्ट बिलव्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैंने तुम्हारे दरमियान में मबूस किया, फिर क्या होगा? यतलू अलैहिम आयाती, वो अल्लाह की आयात की तिलावत करता है। इन बातों को आप गौर से सुनाएं। आई वॉन्ट फुल अटेंशन ऑफ यू प्लीज इफ यू डोंट माइंड, ताकि आप ग्रास्प कर सके कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यतलू अलैहिम आयाती, ये रसूल जो मबऊस हुआ उम्मत में और जो अल्लाह का बहुत बड़ा फेवर है मुमिनीन पर, यतलू अलैहिम आयाती ही अल्लाह की आयात की तिलावत कर रहा है। कुरान कहता है ये अल्लाह की आयत की तिलावत कर रहा है, और आज जाहिल कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ है। कुरान कहता है कि मैंने मबऊस किया है, अल्लाह ने फरमाया मैंने मबऊस किया, वो यतलू अलैहिम आयाती, यतलू अलैहिम आयाती ही अल्लाह की आयात की निशानियां की तिलावत कर रहा है, मतलब पढ़ रहा है। और आज एक शख्स कहता है कि उसको पढ़ना नहीं आता था, फरमाया वयुज़क्कीहिम, और उनको प्यूरिफाई करता है, उनको पाक और साफ करता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, और उनको किताब की तालीम देता है और हिकमत की भी तालीम देता है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे नबी कुरान की आयात की तिलावत करता है और लोगों की दिलों को पाकीज करता है और किताब की तालीम देता है और हिकमत की भी तालीम देता है, उसके बावजूद दिल इतना अंधे हो चुके हैं कि आज हम में इतने जुर्रत हैं, हम कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलिटरेट है माजल्ला, और वो पढ़ना नहीं आता था, वो अनपढ़ थे। तो इन कुरान की इन आयत को कहां ले जाएंगे आप? अब जो मैं पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये है कि इस कुरान में फरमाया यतलू अलैहिम आयाती, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज रिसाइटिंग टू देम द साइंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, पढ़ रहा हूं आपके सामने, अगर मैं पढ़ूं तो आप क्या मैसेज लेंगे? आप ये मैसेज लेंगे कि मैं कहीं से पढ़कर आया हूं, अदरवाइज इफ आई हैव नॉट लर्न फ्रॉम समवेयर सो देयर इज नो क्वेश्चन फॉर मी टू रीड समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप जब पढ़ते हैं तो कहीं से पढ़कर आते हो, तो अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब आयात की तिलावत कर रहा है, इसका मतलब ये कहीं से पढ़कर और कहीं से तिलावत करके और किसी को सुनाकर हमें सुना रहा है। यतलू अलैहिम आयाती, तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां से पढ़ा है? ये तो हमें मालूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मदरसे में एडमिशन तो नहीं लिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है, बल्कि उसने यूनिवर्सिटी और मदरसा बनाए हैं, खुद मदरसे में तालीम हासिल नहीं किया, लेकिन उसने जमीन पर ऐसे मदरसे और ऐसे यूनिवर्सिटी और ऐसे इंस्टीट्यूशन कायम किए, इस्टेब्लिश किया है कि कयामत के दिन तक ऐसा मिसाल दुनिया ने नहीं देखा है। आगे आकर इंशाल्लाह इसको बयान करेंगे। तो कहां से पढ़ा?
Where did he get the information? Where did he get the ability of recitation from? He is reciting, so where did he get these teachings from? Allah Rabbul Izzat ne Quran mein farmaya Ar-Rahman. Rahman allam al-Quran. Usne Quran sikhaya. Usne Quran sikhaya. خلق الانسان علمه البيان. उसने इंसान को पैदा किया और उस इंसान को पूरा डिटेल्स बता दिया. मैं आई एम गोइंग वेरी स्लोली विथ यू, आई नीड अ फुल कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम यू प्लीज. यहां पर क्या फरमाया, अर्रहमान अल्लम अल कुरान. अर्रहमान ने कुरान सिखाया. कुरान किसको सिखाया? कुरान किस, कुरान की तालीम किसको दी गई? ये सब हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान सिखाया. खलकल इंसाना, इंसान को पैदा किया. ही क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग. तो यहां पर बहुत सारे मुफस्सिरीन ने खलकल इंसान का मतलब और मीनिंग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना उठाया. खलकल इंसान से मुराद खलक मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया. अल्लमहुल बयान, फिर इस मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरा बयान सिखा दिया और डिटेल्स. पहले कुरान पढ़ाया जो लिटरली और जो वर्ड्स हैं, जो अल्फाज हैं वो पढ़ाया. उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी वजूद में आए, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं, बहुत मजे की नुक्ते यहां पर मौजूद है लेकिन टाइम नहीं है. जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी वजूद में आया, पहले तो नूर था और हकीकत मुहम्मदिया था. वहां पर अल्लमल कुरान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान सिखाया. फिर जब इंसानी वजूद में आए, जब फिजिकल अपियरेंस में आए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अल्लमहुल बयान. हम इंसान को जो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको हमने कुरान जो पढ़ा चुका है उस कुरान की पूरी बयान हम उसको सिखा दिया है. अब मतलब क्या है? मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान तो सिखाया, और कुरान सिखाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत या साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान का पूरा बयान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया. तो मतलब यह हुआ कि कुरान में जो कुछ है और कुरान का जो भी बयान हो, कुरान का जो भी सीक्रेट है, कुरान की जो भी तालीम हो, उन तमाम चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को बयान फरमा दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा आलिम हो गया. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा आलिम हो गया है कि ये आलिम ऐसा आलिम है जो अल्लाह से बड़ा है, रास्त अल्लाह से तालीम हासिल कर रहा है. एक तो जिब्रील का वास्ता भी आ जाता है, लेकिन तो जिब्रील की इज्जत को बढ़ाने के लिए, जिब्रील को मजीद शरफ हासिल करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरमियानी मीडिएटर बन जाता है. वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से पढ़ने के लिए किसी वास्ते की जरूरत भी नहीं है. वो डायरेक्ट भी पढ़ता है और डायरेक्ट भी पढ़ता रहा है, और ये हजारहा दलील मौजूद है कुरान में भी और अहादीस मुबारक में भी. फरमाया وعلمك ما لم تكن تعلم. मेरे हबीब, कुरान हमने पढ़ाया और बयान हमने तुम्हें दिया. और وعلمك ما لم تكن تعلم, और मेरे हबीब जो तुम नहीं जानते थे. Whatever you did not know before, we have taught you that, और वो सब कुछ हमने तुम्हें पढ़ा लिया है. وعلمك ما لم تكن تعلم, जो कुछ तुम नहीं जानते थे, क्योंकि वो भी अल्लाह का मखलूक है, अल्लाह का महबूब तरीन मखलूक है. तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही पढ़ाया उसको, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही दिया है उसको. तो अल्लाह रब्बुल इज्जत देते देते हुजूर की इल्म को बढ़ाते बढ़ाते ऐसा मौका आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे महबूब, अब हमने वो तुम्हें सब कुछ दिया है. वो अल्लामा का मा लम तकुन तअलम, बहस यहां पर मां पर है, मां आम है, मतलब जो कुछ तुम नहीं जानते थे हमने तुम्हें वो भी दे दिया है. तो मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा आलिम है, और जो सबसे बड़ा आलिम होता है वही सबसे बड़ा मुअल्लिम भी होता है. जो सबसे बड़ा आलिम
होता है। पहले सबसे बड़ा स्टूडेंट रहा और उसके बाद सबसे बड़ा आलिम रहा और अब कियामत के दिन तक सबसे बड़ा मुअल्लिम और सबसे बड़ा मुदर्रिस सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक्दस है। फरमाया وَيُعَلِّمُكُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيكُمْ और तुम्हें पाक करता है। कभी आपने दुनिया के मुअल्लिम में ये क्वालिटी देखा है? Have you ever seen any teacher in the history that he teach whatever he teach and besides that he purifies the student? आपने कभी देखा है? Is there any teacher who can control the internal world of a student? कोई भी नहीं है। दुनिया के कोई भी उस्ताद को दे दो, को ले लो, वो पढ़ाएंगे जरूर, जो उसकी जहन में वो स्टूडेंट्स की जहन में मुंतकिल करने की कोशिश कर सकता है, कभी कभी कामयाब हो जाता है, कभी कभी नाकाम होता है। कितने से टीचर्स हैं उनके पास इतने स्टूडेंट्स हैं, और कभी कभी टॉप से टॉप स्टूडेंट हो जाते हैं और कभी घटिया से घटिया स्टूडेंट आ जाते हैं, क्योंकि ये एक आम टीचर है, आम इंसान है, उनके अंदर वो एबिलिटीज नहीं है कि परफेक्टली अपनी नॉलेज को मुकम्मल तरीके से स्टूडेंट्स की जहन में ऐसे डाले कि स्टूडेंट्स खुद ब खुद इसको कबूल करें। ये किसी के अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ये सलाहियत, ये एबिलिटी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी शख्स के अंदर रखा है, वो सिर्फ हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि वो कुरान की तिलावत भी करता है और तज़किया भी फरमाता है कि दिलों के हालात देखकर और दिलों की दुनिया को कंट्रोल करके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये एबिलिटी है कि वो पाक भी करता है, प्यूरिफाई भी करता है और क्लीन भी करता है लोगों के दिलों को। वयुज़क्कीहिम अत्तज़कियतु क़ब्ल अत्तअलीम, ये प्यूरिफिकेशन बिफोर एजुकेशन। यहां पर अभी तक तालीम की बात नहीं हुई है। We have not yet spoken about the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We have spoken about the recitation of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and purification of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to the people to whom he is passing this message of education. To yahan par tazkiya pehle, taalim baad mein. Maloom hua ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki jo subject hai, jo taalim tumhe dene ja raha hai, ये तालीम इतना उम्दा है, इतना पाकीजा है, इतना साफ और शफाफ है कि वो गंदे दिल में उतर नहीं सकते। इसलिए मेरे नबी, पहले इन लोगों के दिलों को पाक कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उसके हबीब की मोहब्बत को इनके दिलों में बसा लो। मोहब्बत रसूल और अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसने के बाद दिल साफ होता है। फिर जब दिल साफ होता है, फिर वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, फिर इनको किताब की तालीम दे दो। अब जब दिल साफ हो जाए तो फिर किताब की तालीमात दिल में उतर जाता है, और ऐसा उतर जाता है किताब की तालीम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, दिल में ऐसा उतरता है कि जो रसूल से पढ़कर निकलता है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़कर निकल जाता है, तो द बेस्ट सोसाइटी दुनिया देखने को नसीब होता है। जब वो पढ़कर आता है और मुआशरे में सोसाइटी में फैल जाते हैं, तो रसूल से पढ़कर जो आ जाते हैं तो दुनिया का बेहतरीन सोसाइटी शुमार किया जाता है, और बेहतरीन से बेहतरीन और उन जैसे सोसाइटी दुनिया में कभी न हुआ और कभी न होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और वो सोसाइटी का नाम सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन है। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद व्हाई वी गिव स्टेटस to the sahaba after the status of rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabse bada maqam huzur sallallahu alaihi wasallam ke baad hum sahabe kiram ko kyun dete hain? Kyunki inhone aise madrasa se taleem hasil kiya jo sabse bada muallim ustad hain aur jo sabse bada ilm rakhne wala ustad hain, aur us institution, वो इंस्टीट्यूशन ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि न पहले कभी ऐसा इंस्टीट्यूशन वजूद में आया और न कियामत तक कभी ऐसा इंस्टीट्यूशन वजूद में आएगा। इस इंस्टीट्यूशन से जो पढ़कर आता है तो उसका मकाम नबियों के बाद दूसरे नंबर पर होता है।
ये है इंस्टीट्यूशन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो पढ़कर आ जाते हैं तो उनका ये मकाम हो जाता है। तो आज भी अगर हम मुसलमान अकल की नाखून ले ले, अगर हम मुसलमान नींद से उठकर गलफतों से निकालकर अपने आप को झूठे ख्वाबों से निकालकर और हकीकत में और हकीकत की जिंदगी में अगर हम अपने आप को उठा ले और अपने आप को रखे, तो आज भी वो दिन दूर नहीं है कि इसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ के और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके और हुजूर से पढ़ के आज भी खुदा की कसम मुसलमान भी ऑन टॉप में हो जाएगा। दुनिया में कोई भी सोसाइटी, दुनिया में कोई भी मजहब, वैसे मुसलमान तो ऊपर ही है, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, इस्लाम सबसे आला मजहब है, लेकिन प्रैक्टिकली माज़ल्लाह, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे दे, प्रैक्टिकली मुसलमान कमजोर तर कमजोर होते जा रहे हैं, मुसलमान ड्रॉप होते जा रहे हैं, और तरक्की में, डेवलपमेंट में और प्रोग्रेस में मुसलमान पीछे पीछे होते जा रहे हैं, मुसलमान भिखारी और बेगर्स बन चुका है, गैर लोगों के दरवाजों के सामने दरवाजे दस्तक देता है और मांगता है मुसलमान, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नेमत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से तुम्हें दे दिया है। लقد من الله على المؤمنين और फरमाया لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, अगर तुम मुसलमान हुजूर की उसवत को ले ले, हुजूर की तालीमात को ले ले, आज तुम दूसरों के दरवाजे पर दस्तक देता हो देते हो, यू आर नॉकिंग द डोर्स ऑफ अदर्स। अगर हम हुजूर की सुन्नत पर अमल करें, हुजूर की तालीमात अमल करें, तो वो दिन दूर नहीं है कि गैर लोग पहले की तरह, आज प्रीवियस पहले की तरह जब लोग मुसलमानों के दरवाजों पे दस्तक देते थे और मांगते थे, नॉलेज मांगते थे, साइंस मांगते थे, हर चीज दुनिया में जो जो जरूरत है मुसलमानों से मांगा करते थे, तो आज भी ये हिस्ट्री लुटाया जा सकता है कि मुसलमान के दरवाजों पर दुनिया के हर बड़ा छोटा, हर अमीर गरीब, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान मुसलमान के दरवाजे पर आके दस्तक देंगे और बताएंगे हमें सिखा दो, हमें दे दो, हम जाहिल हैं हमें पढ़ा लो, हम कमजोर हैं हमें ताकत कर दो, हम अंधे हैं हमें दिखा दो, हमें आंख दे दो। ये मुसलमान उस वक्त होगा कि अगर सहाबे किराम जैसे तरीका कार इख्तियार करे, रसूल से पढ़े और रसूल के अलावा किसी और से न पढ़े, और दुनिया में कोई भी तालीम हो उस तालीम को पढ़ने के साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को साथ साथ रखे और हमेशा उसको मुआजना करे, कंपेयर करते रहे, और उसको हमेशा यही बात सामने आएगी कि मेरे नबी की तालीमात बहुत ऊंची है और मेरे नबी की तालीमात सबसे आला है, और इससे आला तालीम न किसी उस्ताद ने पढ़ाया है, न किसी मुदर्रिस ने पढ़ाया है, न किसी इंस्टीट्यूशन से किसी ने ऐसे तालीम पढ़ा है। तो दोस्तों वापस आइए, अपनी हकीकत की तरफ आइए। आज मुसलमान दर बदर मर रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एक जमाना वो था कि मुसलमान कदम कदम हर मुल्क हर नेशन में मुसलमान का वाह वाह होता था, मुसलमान के हर फील्ड में मुसलमान लीडिंग पोजीशन में होता था। क्यों? क्योंकि वहां पर हुजूर की तालीमात थे, वहां पर हुजूर का उसवा हसना थे, वहां पर हुजूर की सुन्नत थी, वहां पर हुजूर की बातों पर अमल थी, वहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल करने वाले लोग थे। लेकिन आज हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमत को छोड़ दिया, उसका नतीजा यह हुआ, और बड़ी अफसोस की बात है कि जो पहले मुसलमान बड़े बड़े गैर मुस्लिम उनसे पढ़ा करते थे, मेडिकल की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, हर मैदान में जो लोग मुसलमानों से पढ़ते थे, उन्हीं मुसलमानों के नामों को बदल बदल के यहां पर गैर मुस्लिमों का नाम दिया जा रहा है। कोई पूछने वाला है? इतना हम इतना बेहया हो चुके हैं, हम मुसलमान कहते हैं अपने आप को, लेकिन मुसलमान के साथ क्या हो रहा है क्या तुम जानते हो? तुम्हें मालूम नहीं, बस अपनी अय्याशी में मसरूफ है, अपनी हल्ला गुल्ला में मसरूफ है, ये नहीं जानते कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कि मुसलमानों के साथ क्या होता रहा है और क्या हो रहा है। लेकिन आज हम कहते हैं अपने आप को हम मुसलमान हैं, यौम नबी में मौलूद मनाते हैं, ग्यारहवीं में अल्लाह के औलिया की मनकबतें पढ़ते हो,
कि आप भूल गए हैं कि वो नबी है कि दिन में रात को अगर वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ हुआ करते थे तो दिन में मुसलमानों के हालात में मसरूफ हुआ करते थे, ये देखता था कि मुसलमानों की क्या हालत है, ये वो नबी है। गौसे आजम की मनकबत पढ़ते हो, तुम जानते हो कि गौसे आजम कैसे शख्स थे कि रात को नफले पढ़ते थे, कुरान की तिलावत करते थे और दिनों में और दिन में वो उम्मत मुहम्मदिया के हालात के लिए फिक्रमंद हुआ करते थे और हालात को सोल्यूशन तक पहुंचाने के लिए फिक्रमंद हुआ करते थे। क्या तुम मुसलमान हो? अल्लाह ने एक बार निकम फरमाया कि तुम वो मुसलमान हो जिन्हें देखकर शर्माए यहूद, कि यहूद भी हमारी हरकतों को देखकर वो शर्माता है, वो कहता है ये मुसलमान है, कि यहूद हमसे ज्यादा इस्लाम को जानते हैं। यहूदी लोग कुरान पढ़ते हैं, ईसाई लोग कुरान पढ़ते हैं, जब वो कुरान की तालीमात को सामने रखता है और मुसलमानों की हरकतों को सामने रखता है तो फिर यहूदी भी कहने पर मजबूर हो जाता है कि ये वो मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद, कि हमारी हरकतें तो ऐसे ठीक है लेकिन इनकी हरकतें तो हमसे दो हाथ आगे है। मुसलमानों वापस आ जाओ, अपनी ख्वाब गफलत से निकलकर अपनी हकीकत की तरफ आ जाओ। और जिस तरह पहले मुसलमानों ने दुनिया पर कब्जा किया हुआ था, दुनिया पर हुकूमत चलाया था, आज भी कर सकता है बगैर ब्लड शेडिंग के, बगैर किसी को गाली देने से, बगैर किसी को मार पीटने से। इस्लाम ने हमेशा मोहब्बत से और हमेशा तरीके कार से दुनिया और दुनिया वालों को तालीम दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस गैरत इस्लाम अता फरमाए और गैरत इस्लाम में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।